श्री रश्मि फूड ट्रेस में आपका स्वागत है। आजकल ट्राइप्लाई कुकवेयर काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो आज मैं आप सभी के लिए हॉकिंस का ट्राइप्लाई ट्रिनिटी कुकवेयर सेट लेकर आई हूँ, जिसके अंदर एक डीप फ्राई पैन है, एक तवा है और एक फ्राइंग पैन है। अनबॉक्सिंग के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ट्राइप्लाई कुकवेयर क्या है और ये क्यों पॉपुलर हो रहे हैं। ज्यादा तेल या घी खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तो खाना पकाने में कम तेल लगे इसके लिए नॉन स्टिक कोटिंग वाले बर्तन पॉपुलर हुए हैं और आज भी पॉपुलर हैं। बर्तन को नॉन स्टिक बनाने के लिए इसमें पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन या PTFE की कोटिंग की जाती है। इसे इसके ब्रांड नेम टेफ्लोन से भी जाना जाता है। वैसे तो इसकी खोज 1938 में हो गई थी, पर बर्तनों में इसका प्रयोग 1954 से 56 के बीच हुआ। नॉन स्टिक कोटिंग वाले बर्तनों में खाना जलता और चिपकता नहीं है और तेल भी कम लगता है, और इन्हें 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म किया जाए तो कोटिंग उतरने लगती है और यह कुछ हानिकारक पदार्थ भी छोड़ता है। टेफ्लॉन बनाने में PFOA का उपयोग किया जाता है जो हानिकारक है, इसलिए अब PFOA फ्री टेफ्लॉन कोटिंग बनाए जाने लगी है। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन खरीदें तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। पहले तो ये खरीदते समय देख लें कि टेफ्लॉन PFOA फ्री है या नहीं। मैंने पिछले दिनों जिन नॉन स्टिक बर्तनों की अनबॉक्सिंग की है वे सभी PFOA फ्री हैं। तीसरी बात ये ध्यान रखें कि कोटिंग उखड़ना शुरू हो जाए तो बर्तन को काम लेना बंद कर दें। नॉन स्टिक कोटिंग से हो सकने वाले नुकसान के कारण एक बार फिर स्टील के बर्तन पॉपुलर होने लगे हैं, पर स्टील की भी कुछ कमियां हैं। पहले कमी यह है कि स्टील बनाने में काम लिए निकेल और क्रोमियम भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, इसमें हीट बराबर से नहीं फैलती है। इससे बचने के लिए अब ट्राईप्लाई बर्तन बनाए जाने लगे हैं। ट्राईप्लाई क्या है वीडियो में आगे जानेंगे। सेट अनबॉक्स हो गया है, इसके पैन्स को अनरैप करते हैं। फ्राइंग पैन, तवा, ये डीप फ्राई पैन, ये लिड, ग्लास लिड, स्क्रबर इसका, ये गारंटी कार्ड है और इसकी 5 इयर्स की गारंटी है। ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इनके, ये तवा का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसमें भी किस तरह से इसको क्लीन करना है और टिप्स हैं और कुछ रेसिपीज हैं इसमें जिसको आप देख के बना सकते हैं। ये डीप फ्राई पैन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, इसमें भी किस तरह से आपको यूज करना है, किस तरह से क्लीन करना है, कुछ रेसिपीज हैं और टिप्स हैं, कुकिंग टिप्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं इसमें। ये फ्राइंग पैन का इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है, इसमें टिप्स और कुछ रेसिपीज हैं। और किस तरह से क्लीन करना है, कुकिंग टिप्स, ये कॉशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आइए जानते हैं ट्राईप्लाई का क्या मतलब है। ट्राईप्लाई का मतलब है कि ये बर्तन मेटल के 3 लेयर से बने हुए हैं। ऊपर की लेयर फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है, ये आसानी से जंग नहीं खाती है और मिरर की तरह चमकदार है। इसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल है, इसलिए इसे 18x8 स्टील भी कहा जाता है। पीछे की लेयर दूसरे तरह के स्टील की है जो मैग्नेटिक है, इसके कारण बर्तन इंडक्शन कुकटॉप पर भी काम करता है। इन दोनों के बीच एल्यूमिनियम की लेयर है। इस तरह से ये बर्तन 3 प्लाई के बने हुए हैं। बीच में एल्यूमिनियम लगाने का ये फायदा है कि हीट इसमें बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तीनों का डायमीटर 26 सेंटीमीटर है और इसका लिड तीनों में ही काम आ सकता है।
फ्राइंग पैन और कढ़ाई में जो हैंडल बना हुआ है ये रोज वुड के बने हुए हैं, तवे पे वुड का हैंडल नहीं है। यहाँ पर मार्क दिया हुआ है, खाना पकाते समय आपको यहाँ पीछे तक ही पकड़ना है। इसकी थिकनेस 3.5 mm है। हैंडल में जो रिवेट्स है काफी अच्छी है, मजबूत। तीनों बर्तन गैस फ्लेम के साथ साथ इंडक्शन पे भी काम ले सकते हैं, साथ ही इसको बिजली के हीटर में भी आप इसको काम ले सकते हैं। आइए ग्लास लिड को देखते हैं। ये टफन ग्लास का है और ये आसानी से गर्म होने पे ब्रेक नहीं होता है और इसकी थिकनेस है 4 mm और इसके रिम भी स्टील की बनी हुई है। इसको पटके नहीं और ग्लास लिड को ओवन में काम ना ले। ये डीप फ्राई पैन है, कढ़ाई भी कह सकते हैं इसको आप, और ये 2.5 लीटर की है। इसकी थिकनेस 3 mm है। इसकी रिबेट भी काफी मजबूत है और एक एक हैंडल चार चार रिबेट से कसा हुआ है और काफी मजबूत लग रहा है, इसलिए आसानी से लूज नहीं होगा। ये फ्राइंग पैन है और इसकी भी थिकनेस 3 mm है और ये 26 सेंटीमीटर है इसका डायमीटर। और जो पहले बताया है मैंने कि सारे कुकवेयर को आप इंडक्शन पे भी काम ले सकते हैं। इसकी रिबेट भी काफी मजबूत लग रही है। वैसे तो आप मेटल के बर्तनों में मेटल वाले स्पून भी यूज कर सकते हैं, पर आप यदि इसको बहुत लंबे समय तक इसकी चमक को बरकरार रखना चाहते हैं तो इसके लिए ये जो वुडन स्पैचुला या आजकल सिलिकॉन स्पैचुला चल रहे हैं या चम्मचे चल रही हैं, स्पून चल रही हैं, उसको यूज करें आप। यदि आप इन बर्तनों का लंबे समय तक इसकी चमक को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप ये इसमें लोहे का झामा या स्क्रबर का यूज ना करें, नायलॉन वाले का यूज करें या स्पॉन्ज का करें। इस तरह के स्क्रबर से सफाई तो बहुत जल्दी हो जाती है पर इसकी जो फिनिशिंग है इतनी शाइन वाली वो खत्म हो जाती है, इसलिए इसके मैनुअल में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं क्लीन करने के लिए आप उसको फॉलो करें। डीप फ्राई पैन का वेट है बिना लीड के 1200 ग्राम और फ्राइंग पैन का बिना लीड के 1000 ग्राम है वेट। 26 सेंटीमीटर तवा का वेट है अप्रोक्स 900 ग्राम। 26 सेंटीमीटर ग्लास लिड का वेट है अप्रोक्स 600 ग्राम। यदि आप इसे सेट में ना खरीदना चाहें तो आप अलग अलग भी खरीद सकते हैं। यदि आप ये 2.5 लीटर वाले डीप फ्राई पैन को लेना चाहते हैं तो इसकी कीमत 2000 पड़ेगी लीड के साथ, और बिना लीड के लेते हैं तो इसकी कीमत 1690 रुपीज में पड़ेगी। वैसे ये डीप फ्राई पैन 1.5 लीटर में भी आता है। यदि आप ये अलग से लेते हैं तवा 26 सेंटीमीटर वाला तो इसकी कीमत होगी 1200 रूपए, और वैसे ये तवा ये तो 26 सेंटीमीटर का है और ये 22 और 24 में भी आते हैं ट्राई प्लाई वाले। ये फ्राइंग पैन है और इसके अलग से लेते हैं तो इसकी कीमत 1715 रूपीज होती है, और यदि आप बिना लीड के लेते हैं तो इसकी कीमत 1440 रूपीज में पड़ेगी, और ये 22 सेंटीमीटर में भी आते हैं। यदि आप ये अलग अलग परचेज करते हैं लीड के साथ में तो इसकी कीमत पड़ेगी 4640, और वैसे पूरे सेट के MRP जो है वो 3990 रुपीज है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप पूरा सेट खरीदते हैं तो वो आपको चीप पड़ेगा, सस्ते में पड़ेगा। आप जानना चाहेंगे कि मैंने इसे कितने में खरीदा है? मैंने इसे खरीदा है 3290 रुपीज में। तवा बहुत डिफरेंट लग रहा है, आइए इसे यूज करके देखते हैं। काम लेने से पहले इसको तवे को हल्का सा गर्म करके इस स्टीकर को इस तरह से रिमूव कर लें। आसानी से हो जाता है इससे गर्म करने से, और यदि इसमें थोड़ा सा गम का निशान रह जाता है तो बहुत थोड़ा सा ऑयल लेके टिश्यू पेपर या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा लेके और आप इसको रब कर लें इस तरह से, तो ये निशान चला जाएगा। फिर इसको साफ कर दें।
इसे यूज़ करके मुझे लगा कि ये तवा जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए लोहे के तवे जितनी फ्लेम नहीं रखनी चाहिए। ये काफी देर तक गर्म हुआ है तवा और मैंने इस पे रोटी सेकी है, पर ये हैंडल बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ, ठंडा है बिल्कुल। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अगली अनबॉक्सिंग और रेसिपीज लेकर मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए थैंक यू।